अपने एक दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी करार दिया है। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने पर एमएलसी भूपेंद्र चौधरी को बधाई दी और उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेगी। बीजेपी को माँ बताते हुए उन्होंने कहा कि हम सब पार्टी को माँ मानकर बिना लालच और भेदभाव के उसकी सेवा करते हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम का गौवंशों के प्रति प्रेम भी देखने को मिला। तो कन्नौज में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को इस कार्यक्रम के दौरान बधाई दी गई। आपको बता दें कि एक दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। समाजवादी पार्टी को उन्होंने इस दौरान समाजवादी पार्टी की जगह समाप्तवादी पार्टी कहा। प्रदेश अध्यक्ष बनने पर भूपेंद्र चौधरी को बधाई भी दी। तो वहीं पार्टी को उन्होंने अपनी मां की तरह बताया और कहा कि हम मां की तरह सेवा करते हैं इस पार्टी की। और इस दौरान डिप्टी सीएम का गौवंशों के प्रति भी प्रेम देखने को मिला और इस प्रेम को उन्होंने कार्यक्रम के दौरान आयोजन के दौरान सभी के सामने दर्शाया भी। तो पार्टी को उन्होंने मां बताया और कहा कि बिना लालच और भेदभाव के हम ठीक उसी तरह पार्टी की सेवा करते हैं जैसे एक मां की सेवा करनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।